जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिनोलॉजी 1998 पर। साथियों, आप सभी के लिए मैं फिर से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, असम राइफल में आप सभी के लिए न्यू वैकेंसी जारी कर दिया गया है और साथियों आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी का मौका है। साथियों, इसमें आपको 1230 पोस्ट देखने को मिलने वाली है और सभी ट्रेडों पर आपके लिए भर्ती निकली हुई है। ठीक है साथियों, तो इसकी पूरी जानकारी अपने वीडियो पर देने वाला हूँ और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, कितनी पोस्ट आई हुई है और कौन कौन ओबीसी एसटी और यूआर और जनरल वालों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्या क्या एज लिमिट मांगा गया है, पूरी ए टू जेड जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और साथियों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि असम राइफल में आपके लिए फिर से न्यू वैकेंसी आने वाली है करके, तो आपके लिए फिर से न्यू वैकेंसी आ गई है। यदि आप असम राइफल में जाना चाहते हो, आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, आप इसको अप्लाई कीजिए और साथियों अपना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन इसमें आप पाइए असम राइफल पर। तो साथियों, इसके नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी अपनी वीडियो पर देने वाला हूँ। तो अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो के अपडेट आपको सही समय पर मिलते रहे। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर सेना से जुड़ी खबर और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी खबर बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड कराते जाते हैं, तो आप जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं और उसको ए टू जेड जानकारी अपनी वीडियो पर देते हैं। साथियों, आप नोटिफिकेशन नंबर देख रहे हो, ये 16 अगस्त का नोटिस आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ पर आप देखिए, 16 अगस्त का ये नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराया गया था। ये 16 अगस्त को ये नोटिस जारी किया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की तरफ से। यह देख सकते हो यहाँ पर 16 अगस्त 2021 भारत सरकार रक्षा मंत्रालय महानिदेशालय असम राइफल्स से लॉन्ग करके। ठीक है साथियों, ये आपका नोटिफिकेशन है और यहाँ पर देख सकते हो एडवाइजरी में कंडक्ट ऑफ असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट रैली 2021। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको ये एडवाइजरी में दिया गया है कि ट्रेडमैन और आपका जो है टेक्निकल में आपकी भर्ती आई हुई है करके। अब हम टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। साथियों, मैंने आपको बताया था 1230 पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलने वाली है और साथियों इसको मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों, बॉयज़ एज गर्ल दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1230 वैकेंसी इसमें आई हुई है। ठीक है साथियों, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वैकेंसीज़ के बारे में। तो आपका अदर हर स्टेट से अलग अलग वैकेंसी आई हुई है और अलग अलग ट्रेड, मतलब अलग अलग ट्रेड के लिए अलग स्टेट वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एसटी एससी और ओबीसी वाले हो। ठीक है, तो ये हो गया स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी आने वाली है, मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि आपको पूरी जानकारी कैंडिडेट आर ए बींग रिसीव थोड़ा मॉडर एड एडवाइजरी एडवाइजरी पब्लिश करके बोला। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के माध्यम से आपको 11 सितंबर को पूरी जानकारी और आपको एडजेट मिल जाएगी कि आपका कौन ओबीसी वाले कितनी की पोस्टर के क्या क्या वो है करके। ठीक है, यहाँ पर देखिए 11 सितंबर को आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के माध्यम से आपको ए टू जेड जानकारी और जो भी आपको डाउट होगा वो 11 सितंबर के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पर आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 11 सितंबर से जो आपका जो है ऑनलाइन अप्लाई चालू हो जाएगा इसका, और 25 अक्टूबर, और यहाँ पर लास्ट डेट आपका बताया हुआ है 25 अक्टूबर। ठीक है, तो 25 अक्टूबर लास्ट डेट है, 11 सितंबर से आपका ऑनलाइन अप्लाई चालू हो जाएगा इसमें। तो आपको बता दूँ कि ये वैकेंसी ऑनलाइन निकलने वाली, ऑफलाइन नहीं है। तो ठीक है साथियों, तो ये हो गया आपका स्टार्ट डेट और लास्ट डेट के बारे में बता दिया हूँ मैंने। अब हम इसमें बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको ग्रुप पी की पोस्ट देखने को मिलने वाली है और इसमें पहले पोस्ट है ब्राइड एंड रोड की पोस्ट है जिसमें नायब तहसीलदार है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका जो है 22 पोस्ट देखने को मिलने वाली है और आपका मैट्रिकुलेशन उसका पास होना बहुत जरूरी है और डिप्लोमा और सिविल इंजीनियर का आपके पास डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है और आपके जो 18-23 ईयर तक होना चाहिए। सेकंड आपका क्लर्क है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हो। हवलदार के लिए आपकी पोस्ट है और यहाँ पर 249, यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी है। इसमें हवलदार के लिए 249 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर 10+2 पास होना बहुत ही जरूरी है और आपका जो इसमें डिप्लोमा हो कंप्यूटर में आपका स्किल आप देख सकते हो 35 वर्ड प्रति मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या मांगा हुआ करके। और आपका जो है यहाँ पर एज 18 से 25 ईयर तक होना बहुत ही जरूरी है। और थर्ड आपका देखने को मिलने वाला है साथियों वारंट ऑफिसर का, यहाँ पर देख सकते हो मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत है। 19 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। इंटरमीडिएट 10+2 पास होना जरूरी है, इसमें भी आपका कंप्यूटर टाइपिंग मांगा हुआ है और आपका एज जो है 18 से 25 ईयर तक होना चाहिए। थर्ड पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन स्विटर सिग्नल फॉर मेल और फॉर मेल के लिए यह और राइफल मैन के लिए है। यहाँ पर पोस्ट देख सकते हो, यहाँ पर 42 पोस्ट है और सिंपल आपका 10th पास है। यहाँ पर देख सकते हो मैथ्स और आपका जो इंग्लिश होना बहुत ही जरूरी है, 18-23 तक आपका एज होना चाहिए। पाँचवीं पोस्ट आपका लाइनमैन की है, राइफलमैन की 28 पोस्ट देखने को मिलने वाली है। आपका 10th पास होना बहुत ही जरूरी है जिसमें आपका साथियों आईटीआई का इलेक्ट्रिशियन से आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए और 18-23 ईयर तक आपका एज होना बहुत ही जरूरी है। छठे नंबर पर आपका इंजीनियर रिक्वायरमेंट का है जिसमें आपका राइफलमैन है, जिसमें 3 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है और 10th पास होना बहुत ही जरूरी है। इसमें भी आपका जो है आईटीआई और इंजीनियर रिक्वायरमेंट मैकेनिकल का आपको डिप्लोमा होना चाहिए, 18-23 ईयर तक आपका एज होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद है
राइफलमैन व्हीकल के लिए है, मेल कैंडिडेट ओनली इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका 10th पास होना बहुत ही ज़रूरी है और आपके पास ITI का मोटर मैकेनिकल का आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए और 18 से 23 ईयर तक आपका एज बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद है आपका साथियों हवलदार के लिए पोस्ट निकली हुई है, आपका जो है इंस्ट्रूमेंट्स रिपायर मशीन फॉर मेल के लिए हवलदार के लिए 12 पोस्ट है, 10+2 पास होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें भी आपका ITI मांगा हुआ, 18 से 23 ईयर तक आपका एज होना बहुत ही ज़रूरी है। 9वें नंबर पर भी आपका साथियों मेल के लिए यहाँ पे निकली हुई है पोस्ट है व्हीकल मशीन के लिए, इसमें राइफल मैन है यहाँ पे 35 पोस्ट है आपके लिए और इसमें आपका जो साथियों मेट्रिकुलेशन MS इंग्लिश साइंस एंड डिप्लोमा आपका जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होता है वो आपका होना बहुत ज़रूरी है। इंस्ट्रूटियल ट्रेनिंग का इसमें आपका जो 18 से 23 ईयर तक पोस्ट एज होना बहुत ज़रूरी है। आप एज देखते जाइए साथियों और इसमें बहुत सी पोस्ट निकली हुई है, मैंने आपको बताया था कि बहुत सी पोस्ट हर एक ट्रेड में आपको यहाँ पोस्ट देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर इसके बाद आपका निकला हुआ है राइफल मैन के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए है, यूफर्स्टर के लिए है, यहाँ पर आपको ओनली 10th पास मांगा हुआ और 18 से 23 ईयर तक आपका एज होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही 11वें नंबर पर आपको इलेक्ट्रीशियन फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है, राइफल मैन के लिए, ये भी इसमें ओनली 10th पास मांगा हुआ और 43 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है और इसमें भी आपका 18 से 23 ईयर तक एज होना जरूरी है। इसके बाद प्लम्बर की पोस्ट है जिसमें मेल कैंडिडेट पर जा सकते हैं, इसमें 33 पोस्ट है, इसमें 10th पास मांगा हुआ है और बोर्ड विद इंस्टीट्यूटियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट मतलब ITI का भी इसमें डिप्लोमा मांगा हुआ प्लम्बर का, ठीक है, इसमें 18 से 23 ईयर आपका एज मांगा हुआ है। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर फायर राइफल मैन मेन कैंडिडेट के लिए है, सुपीरियर के लिए है, इसमें भी आपका 10th पास मांगा हुआ है और 20 से 28 ईयर तक इसमें थोड़ा सा एज ज़्यादा रखा गया है, 20 से 28 ईयर तक इसमें भी ITI मांगा हुआ है। नेक्स्ट है एक्सरे असिस्टेंट के मेल के लिए है, हवलदार के लिए है, इसमें भी 12th पास मांगा हुआ है आपका, ठीक है, और 18 से 23 ईयर तक आपका एज रहेगा और 28 पोस्ट इसमें मांगा हुआ है। वेटनरी के लिए है, ये मेल के लिए बस साथियों ओनली मेल के लिए है और इसमें वारंट ऑफिसर के लिए इसमें पोस्ट निकली हुई है, 9 पोस्ट है और 12th पास मांगा हुआ है और यहाँ पर और देखिए इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है आपका, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन वेटनरी का, इसमें साइंस के वेटनरी का इसमें डिप्लोमा मांगा हुआ है, इसमें आपका एज 21 से 23 ईयर तक आपका रहना चाहिए। इसके बाद आपका पैरालिशियल्स बहुत वारंट ऑफिसर का इसमें मांगा हुआ है, मेल और फीमेल इसको दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपका 10+2 पास मांगा हुआ है और यहाँ पर साथियों आपका फार्मेसी का डिप्लोमा होना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको अप्लाई कर सकते हो और 20 से 25 ईयर तक एज होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आपका फीमेल सफाई वाले के लिए आपका जो है इसमें पोस्ट आया हुआ है, फीमेल सफाई वाला, इसमें फीमेल के लिए अलग से लिखा हुआ है राइफल मैन का, इसमें आपका 9 पोस्ट देखने को मिलने वाला है और इसमें ओनली 10th पास है, इसमें कोई भी ना डिप्लोमा ना ITI कुछ नहीं मांगा गया है, ओनली 10th पास मांगा हुआ है और 18 से 25 ईयर तक एज है। इसके बाद है बार बार की है मेल कैंडिडेट के लिए, इसमें कोई एजुकेशन नहीं मांगा हुआ, ओनली 10th पास है, इसमें 68 पोस्ट है और 18 से 23 ईयर तक एज है, सभी 18 से 23 ईयर तक एज मांगा हुआ है। कुक की पोस्ट आई हुई है साथियों, ये बहुत ही शानदार है आपके लिए, 339 पोस्ट इसमें देखने को मिलने वाली है और इसमें भी ओनली 10th पास है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट है कुक, ठीक है साथियों, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, ओनली 10th पास है, ठीक है। और यहाँ पे म्यूजिशियन पोस्ट के लिए भी 4 पोस्ट है और मेन सफाई वाले के लिए इसमें 107 पोस्ट देखने को मिलने वाली है, इन सब में आपका ओनली 10th पास मांगा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी साथियों और यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर असम राइफल का सीजन यहाँ पर दिए हुए हैं राजेंद्र प्रसाद के, यहाँ देख सकते हो आप। तो ये पूरी जानकारी थी साथियों, आपको थोड़ा साउंड में इशू हो सकता है बारिश होने के कारण, इसमें साउंड थोड़ा सा आपका थोड़ा सा बारिश का साउंड आता होगा। तो यहाँ पर आपके लिए साथियों मेल के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पे कुक के लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट आई हो, 339 पोस्ट है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आप एक बार और देख सकते हो, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इसका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो आई होप आपको पूरी जानकारी समझ आई और यहाँ पर देख सकते हो, एक बार और आपको याद दिला दूँ कि 11 सितंबर इसका स्टार्टिंग डेट रहने वाला है और 25 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है, ठीक है साथियों। आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका असम राइफल में जाने का, तो आई होप आपको पूरी जानकारी समझ आई हो और ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो साथियों अपने आप अपनी स्टडी जारी रखिए क्योंकि आपको बहुत सी वैकेंसी अभी देखने को मिलने वाली है। तो साथियों ऐसे ही जॉब की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।